ओके तो आगे सब मीटिंग में आज हम बात करने वाले हैं एरिस लॉरिस हैकर के बारे में, जिसने पिछले दो दिनों से अमंग अस पे तबाही मचा दी है। सीरियसली ये हर किसी के रूम में आकर गेम को ग्लिच कर देता है, जिससे ना तो आपको मैप दिखेगा और ना ही आप अपने फ्रेंड से चैट कर पाओगे। तो अब ये एरिस लॉरिस कौन है, क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है और क्या ये हमारे डिवाइस को हार्म कर सकता है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एरिस लॉरिस कौन है और इसने गेम को क्यों हैक किया। तो सिंपली बताऊं तो एरिस लॉरिस एक रैंडम बंदा है इंटरनेट पे, जो कि लोगों को ट्रोल कर रहा है और उसका फायदा उठाकर पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इसने किसी गेम को हैक किया हो, ये शायद एक साल पहले भी यही काम किया करता था, जहां इसने कॉस्मिक नेटवर्क्स नाम के एक गेम के लिए हैक बनाया था, जिसे एक्टिवेट करने के बाद ही लॉबी के सारे प्लेयर्स किक हो जाते थे। इतना ही नहीं, इसने और भी कई सारे गेम्स के लिए हैक्स बनाए हैं, जिसमें ये एमबॉट, रडार हैक और नो रिकॉइल जैसे हैक्स बनाता रहता है और इसे अपने वेबसाइट पे सेल भी करता है। तो अब अमंग अस काफी हाल ही में वायरल हुआ है और इस गेम के वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, इसलिए एरिस लॉरिस ने अमंग अस को टारगेट बनाया और शायद गेम के अंदर एक ऐसा लूप होल ढूंढ लिया, जिससे कि उसे अमंग अस के सर्वर्स का एक्सेस मिल गया, जिसके बाद उसने गेम के अंदर एक चैटबॉट को सेटअप कर दिया, जो कि अब उसके यूट्यूब चैनल, डिस्कॉर्ड, ट्विटर और डोनाल्ड ट्रंप को स्पैम कर रहा है। अब बात आती है कि क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है, तो इसका आंसर है नहीं। जहां तक मैंने इस हैक को एनालाइज किया, उससे मुझे ये पता चला कि पहले एरिस लॉरिस डोनाल्ड ट्रंप 2020 लिखकर लोगों को ट्रोल कर रहा था। उसके बाद इसने धीरे धीरे अपने यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक देना स्टार्ट कर दिया, जिससे सिर्फ यही चीज प्रूव होती है कि पहले इसने लोगों को ट्रोल करने का सोचा होगा, उसके बाद इसने अपनी पॉपुलैरिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए इस मौके का फायदा उठाकर अपने सोशल मीडियाज को ग्रो कर लिया। इसके अलावा आप सभी ने इसके मैसेज में ये देखा होगा, जहां पे ये लिखा होता है कि अगर हमने इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारे फोन को हैक कर देगा। तो यहां पे डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे फोन या फिर पीसी को तब तक हैक नहीं कर सकता जब तक आप इसके दिए हुए लिंक्स को नहीं खोलते। कई बार जो इस तरह के लिंक्स होते हैं उनमें ट्रोजन हॉर्स नाम का वायरस होता है, जो कि इमेज या फिर लिंक्स खोलते ही आपके पीसी में आ जाएगा और उसके बाद आपका पीसी इन्फेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जैसे कि बैंक डिटेल्स और पासवर्ड्स। तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके लिंक को क्लिक करके इसके चैनल पे जाएं या फिर इसके किसी भी लिंक को खोलने की ट्राई भी करें। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अभी अमंग अस खेलना सेफ है? तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाती तब तक आप इस गेम को ना ही खेलो तो ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एरिस लॉरिस हैक्स को सेल करता है और अगर इसने डेवलपर्स के गेम फिक्स करने से पहले ही किसी बड़े हैकिंग ग्रुप को ये डेटा या फिर ये हैक सेल कर दिया, तब ये हम सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ही खतरे की बात होगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब तक इसका कोई फिक्स नहीं आ जाता तब तक आप इस गेम को ना खेलो। बाय द वे, अमंग अस के डेवलपर्स ने ट्वीट करके बताया है कि उन्हें इस हैकिंग के बारे में पता है और वो बहुत ही जल्द एक सिक्योरिटी अपडेट लाने वाले हैं गेम के अंदर। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नया गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।